लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। जगदम्बे काली जय हो मैया, हम सब उतारे तेरे तारे से। ओ मैया, हम सब उतारे नवी मुंबई के पावने गांव में जयंबे मित्र मंडल द्वारा नवरात्रोत्सव का सादगी भरा आयोजन किया गया है। यहां चौथे दिन रविवार को महाआरती कार्यक्रम चला, जिसमें 51 महिलाओं ने हाथों में थाल लिए मां दुर्गा की महाआरती की। इस अवसर पर पूर्व नगर सेवक मधुकर मुकादम, साईनाथ एजुकेशन ट्रस्ट के प्रशासकीय अधिकारी टीपी सिंह, बीजेपी यूपी सेल के जिलाध्यक्ष मार्कंडे हरिओम ने 27 वर्षों से लगातार धर्म और आस्था को प्रोत्साहन देने में जुटे जयंबे मित्र मंडल की सराहना की। वहीं मंडल के अध्यक्ष अजय कृष्ण तिवारी ने बताया कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए इस बार का नवरात्रोत्सव आयोजित किया गया है। आइए सुनाते हैं उन्होंने और क्या कुछ कहा। हमारे गांव में यह एक अच्छा उत्सव, जहाँ से कि पूरा गाँव भगवानमय हो गया है, देवीमय हो गया है, और इस देवी की कृपा हर साल अपने पावना गांव को बचाती रहती है, क्योंकि हर पावना गांव के बाजू में केमिकल की फैक्ट्री है, बड़े बड़े प्रदूषण है। ये देवी माँ और गणपति बप्पा जो है वो हमारे हर साल आते हैं और हर साल गांव की रक्षा करते हैं। अभी तक पावना गांव पे कोई संकट नहीं आया, सब संकट ये देवी हर लेती है। तो मैं मंडल के सभी सदस्य को शुभकामनाएँ देता हूँ, वैसे नवी मुंबई के सारे नागरिकों को इस नवरात्रि उत्सव पर हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ। इस साल दांडिया उत्सव वगैरह हमारे इधर तो होता ही नहीं है, हमारे इधर सामाजिक कार्य होते हैं, जहाँ से जन जागृति हो, जैसे कि कवि सम्मेलन हो, उसमें भी यहाँ जन जागृति का पर्व मनाया जाता है, या भजन होते हैं या कीर्तन होते हैं, बड़े बड़े अच्छे धार्मिक प्रोग्राम यहाँ मनाए जाते हैं। तो ये मंडल तो हमेशा मेरा प्यारा मंडल रहा है, ये मंडल को मैं आगे से भी बोलूँगा, आप अच्छे अच्छे कार्यक्रम, इस साल भी कोरोना की वजह से थोड़े बंधन है, लेकिन अगली साल एक कार्यक्रम बहुत अच्छी तरह पिछले हर साल की तरह मनाया जाए। जयंबे मित्र मंडल आज विगत वर्षों से, कई वर्षों से एक संगठित आयोजन करते आ रहा है। इससे पूरी जनता को, केवल पौना ही नहीं, मैं तो समझता हूँ कि पूरे इस क्षेत्र को जो लाभ मिल रहा है वो बहुत ही सराहनीय है। जिस ढंग से कोरोना महामारी पर कंट्रोल हुआ है, ये केवल माँ की शक्ति है, भगवान गणेश की शक्ति है। और जयंबे मित्र मंडल जिस परंपरा का निर्वहन करते आ रहा है, धर्म का प्रचार कर रहे हैं, लोगों में जागृति पैदा हो रही है और लोगों में बहुत ही अच्छा एक जो संगठन की भावना है, एक प्रेम है, एक भाव है जो उत्पन्न हो रहा है, इसके लिए मैं तो जयंबे मित्र मंडल का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। मैं जयंबे मित्र मंडल की तरफ से सभी को ढेर सारी शुभकामनाएँ देता हूँ और माँ भगवती से कृपा करता हूँ कि इसी तरह से सारे लोग इस महापर्व में आकर
सबको सम्मान दें और माता जी का आशीर्वाद लें। और इस महामारी काल में प्रशासन के तरफ से भी हम लोगों को अनुमति मिली है, माता जी की बहुत असीम कृपा है। और हमारे इस पवना गांव को जो है कि मंडल को भी संगठित बना के रखें। मैं इस कार्यक्रम का, इस आयोजन को हम लोग संपन्न कर रहे हैं। हालांकि यह हमारा अध्यक्ष के रूप में पहला कार्यकाल है और मैं अध्यक्ष होने के नाते सभी पदाधिकारियों को, सभी नागरिकों को, मंडल के सभी सदस्यों को प्रति आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि इनके सहयोग के बिना शायद यह आयोजन सफल नहीं हो सकेगा। हमारा यही मकसद है कि समाज में सौहार्द, प्रेम और लोगों में एकता बनी रहे, ताकि हम सुसज्जित तरीके से और एक सभ्य समाज की रचना कर सकें और उसमें जो जितना भी प्रयास करें वो हमारे लिए बड़े गर्व की बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया।